कोरोना का भांडा फूट गया, वो भी अफ्रीका मुल्क तंजानिया में। अल जजीरा न्यूज ने खबर दी है कि तंजानिया में कोरोना केसेस 22 से अचानक 480 पर कैसे पहुंचे, तो केमिस्ट्री की डिग्री रखने वाले मुल्क के सदर जान मगुफुली को शक गुजरा के कुछ गड़बड़ है। उन्होंने एक अजीबोगरीब तजुर्बा किया। उन्होंने एक भेड़, बकरी, पपीता, बटेर और इंजन ऑयल से लिए गए नमूने टेस्ट के लिए मुल्क के मरकजी लेबोरेटरीज भिजवाए। भिजवाए गए नमूनों को आसान इंसानी नाम और मुख्तलिफ उम्रें दे दी गई। हैरानकुन तौर पर दो जानवरों, बकरी और भेड़ और एक फल पपीता का रिजल्ट मुस्बत आया। उसके बाद उन्होंने बैरून मुल्क से दर आमद करदा तमाम टेस्टिंग किट्स फौज की तहवील में दे दिए हैं और इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। तंजानिया के सदर का कहना है कि जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है। वाकये के बाद बैनुल अक्वामी इदारों और अपोजिशन की जानिब से तंजानिया के सदर की इस पहल की मजम्मत की जा रही है। हालांकि बैनुल अक्वामी इदारों और खुद तंजानिया की अपोजिशन को कोरोना टेस्टिंग किट्स के मयार और काम पर सवाल उठाने चाहिए कि किस तरह एक बकरी, भेड़ और पपीते का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। अब ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। अब मुसलमानों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि साइंस और तहकीक के मैदान से दूर रहकर हमने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया है और हम हर तरह से मगरिब के मोहताज बन चुके हैं। अब कोरोना टेस्टिंग किट्स पर भी सवाल उठ गए हैं कि इन किट्स में कुछ खराबी है या किट्स डिजाइन ही इस तरह की गई है एक मखसूस तादाद में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव जाहिर हो। दूसरी तरफ मुख्तलिफ ममालिक की रवायती हर्बल अद्वियात कोरोना के मरीजों के लिए मुफीद साबित हो रही हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सख्ती से इन तमाम दवाइयों को रद्द कर देता है कि इसके नज़दीक सिर्फ वही दवा और इलाज कारगर होगा जिसको उनके अपने साइंसदान और लेबोरेटरीज तस्दीक करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब यूट्यूब स्टूडियो।